Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी. यॉर्क रीजन में स्टेज 2 के तहत पाबंदियां आयद. पाबंदियों को 4 हफ्तों तक बरकरार रखा जाएगा. कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता. आजरबाईजान और आर्मेनिया के तनाज़े समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया. तैयब उर्दवान ने तुर्की को ड्रोन की फरहमी रोकने पर नाराजगी का इजहार किया. कोरोना वैक्सीन की तैयारी. कैनेडियन वैक्सीन डेवलपर्स की जानिब से वैक्सीन की तैयारी में बड़ी रुकावटों की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें फंड की फराहमी और क्लिनिकल ट्रायल सरफहरिस्त हैं. कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है. आखिरी तलाश के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,98,732 हो गई. अफगानिस्तान में अमरीकी फौज अमरीका तालिबान मुहाइदे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं. तालिबान का दावा. ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं अमन मुज़ाकरात अमन के लिए तारीखी मौके हैं, ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए. अगर जो बाइडन नवंबर में जीत जाते हैं तो वो क्रिसमस सीजन ही मनसूख कर देंगे. ट्रंप का कहना है कि मेरा मुकाबला अमरीकी सदारती इंतखाबात के बदतरीन उम्मीदवार जो बाइडन से है. इटली में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज़ायद रिकॉर्ड केसेस. यूरोप में कोरोना वायरस के केसेस में 44% इजाफा. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,03,56,840 तक जा पहुंची है. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला ग्रीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है. हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट. लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699. फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699. पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699. ऑन्टेरियो के प्रीमियर का कहना है कि हमें अपने स्कूलों और अपनी कम्युनिटीज़ की हिफाजत करने की ज़रूरत है. हमें अपने अस्पतालों में अहम सर्जरी करते रहना चाहिए. हमें हालात ख़राब होने से पहले कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की ज़रूरत है. मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में. कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के यॉर्क रीजन में सूबाई हुकूमत की जानिब से स्टेज 2 के तहत पाबंदियां आयद कर दी गई हैं. स्टेज 2 के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियां कम से कम 28 दिन की मुद्दत तक जारी रहेंगी. तरमीम शुदा स्टेज 2 में इंडोर डाइनिंग एंड ड्रिंक सर्विस की बंदिश, इंडोर जिम और सिनेमा घर और परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर्स शामिल हैं. गैलरियों या अजायब घरों जैसी जगहों पर इंटरैक्टिव नुमाइश बंद होगी. इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि मेरे दोस्तों ये फैसला करना आसान ना था और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम इस वायरस को लॉन्ग टर्म केयर होम्स में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं. हमें अपने स्कूलों और अपनी कम्युनिटीज की हिफाजत की जरूरत है. हमें अपने अस्पतालों में अहम सर्जरी करते रहना चाहिए. हमें हालात खराब होने से पहले इस फैलाव को रोकने की जरूरत है. तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू में तुर्की के लिए ड्रोन बरामद करने के सिलसिले की मौतली पर नाराजगी का इजहार करते हुए उसे इत्तेहादी मुहाइदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है. मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में.
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कैनेडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू में तुर्की के लिए ड्रोन बरामद करने के सिलसिले की मौतली पर नाराजगी का इजहार करते हुए इसे इत्तेहादी मुहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडा ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कुछ मालूमात की फराहमी का सिलसिला रोकने का ऐलान किया था। ताहम रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि ये इकदाम इत्तेहादी मुहिदे की रूह के खिलाफ है। रवां माह के आगाज पर इन इल्जामात के बाद के आर्मीनिया के खिलाफ आज़री फोर्सेस के पास मौजूद कुछ अस्करी साजो सामान तुर्की से ताल्लुक रखता है। कैनेडा ने इन इल्जामात के बाद तुर्की को दी जाने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की फराहमी उन इल्जामात के तफ्तीशी नतायज सामने आने तक रोकने का ऐलान किया था। तुर्क सदारती दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस कॉल के दौरान सदर उर्दगान ने कैनेडा की जानिब से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी लड़ाई के तनाजर में तुर्की को अस्करी साजो सामान की फराहमी की मौतली को इत्तेहाद की रूह के मुनाफी करार दिया। वाज़ह है कि दोनों ममालिक मगरबी दिफाई इत्तेहाद नैटो के रुकन हैं। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने 6 गैर मुल्की कंपनीज में $1 बिलियन की सरमाया कारी की है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से कोई भी इसे क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए मार्केट में भेजेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुतादित फर्म्स कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए कोशिशें कर रही हैं। ताहम चंद कैनेडियन वैक्सीन डेवलपर्स की जानिब से वैक्सीन की तैयारी में बड़ी रुकावटों की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें फंड की फराहमी और क्लिनिकल ट्रायल सरे फहरिस्त हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में कमी ने कोशिशों को मजीद सुस्त कर दिया है। दुनिया भर में तकरीबन 100 के करीब ग्रुप्स कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में मसरूफ है, जिनमें से अक्सर फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। कनाडा में निस दर्जन से ज़ायद ग्रुप्स आलमी इदारे सेहत के रजिस्टर्ड हैं, जिनमें एक इंसानों पर वैक्सीन को आजमा रहा है। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन कनाडा में बनाई जा रही है, इसकी तैयारी के लिए खुद कफील होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि कनाडा की वफाकी हुकूमत ने 6 गैर मुल्की कंपनीज में $1 बिलियन की सरमायाकारी की है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इनमें से कोई भी इसे क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए मार्केट में भेजेगा। कनाडा का क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 93,391 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,038 तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,98,732 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,760 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 93,391 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,038 तक पहुँच चुकी है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 64,371 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,046 है। अल्बर्टा में 21,775 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 288 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 11,189 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 251 है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने एक बयान में तालिबान के दावे से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मुहायदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अमरीका तालिबान मुहायदे अमरीका अफगानिस्तान मुश्तरक अलामी पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी खसूसी मुशीर बराए अफगान अमन मुजाकराती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने एक बयान में तालिबान के दावों से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मुहायदे के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अमरीका तालिबान मुहायदे अमरीका अफगानिस्तान मुश्तरक ऐलामिये पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि तशद्दुद में कमी के अज़म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अफगान सूबे हिलमंद में पुरतशद्दुद वाक़िया पर दोहा में इजलास हुआ है। परिकैन ने तशद्दुद में कमी पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन मुज़ाकरात अमन के लिए तारीखी मौके हैं, जाया नहीं किया जाना चाहिए। वाज़ह है कि तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज अमरीका तालिबान मुहायदे के खिलाफ वर्जी कर रही है।
अमरीका में अगले माह इंतखाबात के सबब सदारती उम्मीदवार और उनके हामियों के एक दूसरे पर वार जारी हैं। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा 22 अक्टूबर को मतवक्के है। इससे कबल होने वाला मुबाहिसा ट्रंप कोरोना के सबब मनसूख कर चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जो बाइडन नवंबर में जीत जाते हैं तो वो क्रिसमस सीजन ही मनसूख कर देंगे। रियासत नेवाडा के शहर कार्सन सिटी में हिमायतियों से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर जो बाइडन यहां आ जाएं तो ये भूतों का शहर बन जाएगा और क्रिसमस का सीजन मनसूख हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 3 नवम्बर को जो बाइडन और डेमोक्रेट्स को जबरदस्त शिकस्त देंगे। आवाम से अपील की कि अर्ली वोटिंग जारी है, लिहाजा निकलें और वोट दें। सदर ट्रंप ने तकरीर के बाद स्टेज पर रक्स भी किया। जॉर्जिया में अपने हामियों से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा मुकाबला अमरीकी सदारती इंतखाब के बदतरीन उम्मीदवार जो बाइडन से है। मुझे अगर बाइडन से शिकस्त हुई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं शायद अमरीका छोड़ जाऊंगा। अमरीका में अगले माह इंतखाबात के सबब सदारती उम्मीदवारान और उनके हामियों के एक दूसरे पर वार जारी हैं। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान आखिरी मुबाहिसा 22 अक्टूबर को मुतवक्के है। इससे कबल होने वाला मुबाहिसा ट्रंप कोरोना के सबब मनसूख कर चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस ने यूरोप में एक बार फिर सर उठा लिया। यूरोप में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूरोप में कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस ने यूरोप में एक बार फिर सर उठा लिया। यूरोप में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूरोप में कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,03,56,840 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 11,19,426 हो गई। 3,15,03,660 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,24,754 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 83,88,013 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,14,670 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 75,52,262 हो गयी। इटली में कोरोना के यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है और एक रोज में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। अतालवी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,705 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से 79 हलाकतें रिपोर्ट हुई। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 22वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,485 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,42,202 तक जा पहुँची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.